नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 हिंदी बुक क्षितिज के चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है हमारे यहाँ बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहते हैं तो आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के रिविजन की कभी भी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा राजेश जोशी जी के बारे में समझेंगे। हालांकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी मल्टीपल चॉइस में ये जरूर आ जाता है कि राजेश जोशी का जन्म कब हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने कहाँ तक अपनी पढ़ाई की। तो एक बार हमें यहाँ पर देखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 2 मिनट का टाइम बचा के अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन रह गया तो उसको पढ़ना ही बेकार होगा। तो चलिए देखते हैं, राजेश जोशी जी का जन्म 1946 के मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया, यानी कि टीचिंग करी। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए, कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया, जो फिल्म बनती है ना उसके लिए राइटर भी रहे थे। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुसंरचना भूमि का कल्पतरु, यह भी एक मायकोवस्की की कविता के अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं, कौन कौन से पेपर में आ जाता है कि कौन कौन से काव्य संग्रह हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लें, ठीक है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यों को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है, जिससे मनुष्यों का जीवन सुधरे, उन्हें बचाया रखा जा सके। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए भी बेचैन दिखाई देते हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों के बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को व्यक्त किया हुआ है कि किस तरह बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, कम शिक्षा और जीवन में उमंग से वंचित हैं, यानी उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कविताएं पढ़ेंगे। कविता का नाम क्या है हमारे यहाँ पर, बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए चलिए पढ़ लेते हैं अब इसको। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी नींदें, क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गया सारे खिलौने, ठीक है, क्या किसी भूकंप में ढक गई सारे मद रसों की इमारतें, यानी ओवरऑल का मतलब क्या है हमारे यहाँ पे, एक बार हम समझ लेते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना आए। देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब उन्होंने कुछ बच्चे देखे जहां पर सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, कोहरा होता है ना, तो कोहरा का टाइम पड़ रहा था और बच्चे कहाँ जा रहे थे, काम पर जा रहे थे। काम का मतलब पढ़ने से डिनोट नहीं किया गया है। जिन बच्चों के पास पैसों की कमी होती है तो वो काम पर जाते हैं, तो उसी के बारे में हमें बताया गया है। सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं बच्चे, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यानी कि उस टाइम की और इस टाइम की भी देखें तो ये सबसे भयानक चीज है कि जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और वो काम करने जा रहे हैं जिससे उन्हें खाने को कुछ मिल सके इस तरह से, ठीक है। भयानक है यह विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए या सवाल की तरह, इसको हमें विवरण की तरह लिखना चाहिए, इनको समझाते हुए लिखना चाहिए, या एक सवाल है हमारे ऊपर कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, काम पर
क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी नींदें? यानी कि वो सब जब सो रहे हैं, कोहरे का टाइम है, सवेरे का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, और उन्हें काम पर जाना है जिससे उन्हें पैसे मिल सकें, तो क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी नींदें? यानी कि अपनी नींदों को छोड़कर भी क्या कर रहे हैं वो? काम पर जा रहे हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है? सारी रंग बिरंगी किताबों को? यानी कि इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने का टाइम होता है उनका, तो काम पर जाने के अलावा उन्हें पढ़ना चाहिए लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए क्या बोला गया? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? यानी कि जो बच्चे होते हैं पढ़ते भी हैं, खेलते भी खिलौने से, तो ये बताया जा रहा है क्या क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में डग गए हैं? किसी भूकंप से सारे खिलौने चले गए हैं? सारे मकबरों की इमारतें, ठीक है, क्या भूकंप से ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? चलिए आगे देखें। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? यानी कि सब मैदान वगैरह खत्म हो गए हैं क्या इस तरह से? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयंकर होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्म मालूम, ठीक है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस स्टोरी का मतलब भी समझ लिया है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। कोई भी डाउट होने पे हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इनके क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।